ये लंगड़े को लंगड़ा क्यों कहते हैं, पता है इसका नाम लंगड़ा क्यों पड़ा? इसका कलर हरा होता है इसलिए, ये हरा ही में ही होता है। बागीचा था दोनों भाइयों के नाम, दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया तो उसने कुल्हाड़ी का वार करके उसकी टांग काट दी थी, जिसकी वजह से जो है इस आम का नाम जो है लंगड़ा रख दिया गया। लंगड़ा इसको इसलिए बोल रहे कि इसमें अलग कैल्शियम है और हर आम में अलग अलग कैल्शियम है, इसलिए अलग अलग नाम है उसका। कोई लंगड़ा होगा उसी ने बनाया होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। गर्मियों में आम अगर ना खाए तो बंदा कहता है कि गर्मियां आई हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो आम अगर आपने नहीं खाए तो ज़रूर आप आम खाएं। आम की बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन आज हम ये पूछने जा रहे हैं जो आम बेच रहे हैं उन लोगों से कि उनको क्या पता है कि लंगड़ा आम का नाम लंगड़ा क्यों पड़ा है या उसको लंगड़ा क्यों कहते हैं। देखते हैं जो आम बेच रहे हैं उनको ये पता है या नहीं पता। अगर आपको पता है कि लंगड़ा आम को लंगड़ा क्यों कहते हैं तो आप हमें कमेंट करके वीडियो में बताएं, और अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा कि लंगड़ा आम को लंगड़ा आम क्यों कहते हैं। आ जाएं। ये लंगड़े को लंगड़ा क्यों कहते हैं, पता है इसका नाम लंगड़ा क्यों पड़ा? भाई ये है ही लंगड़ा, इसका नाम ही लंगड़ा रखा हुआ है लोगों ने, क्यों ये आम इसी तरह का है लंगड़ा ही। ये लंगड़ा नहीं है, आम ही है मगर इसका नाम लोगों ने ये रखा हुआ है। इसका कलर हरा होता है इसलिए, ये हरा ही में ही होता है इसके लिए लंगड़ा, इसको लंगड़ा कहते हैं। बहुत मीठा होता है, हमारे से भी बहुत मीठे आम है। कौन सा? रटोल है, चौसा है, दुशेरी है, सरोली है, मगर इसका भी एक अपना जायका है। लाल परी, तोता परी, वो थोड़ा लाल कलर का होता है, मसला और कोई भी नहीं होता है। और वो भी मीठा होता है मगर कम मीठा होता है, मगर उसका सिर्फ कलर थोड़ा लाल होता है, इसलिए उसको कहते हैं लाल परी है तोता। ये लंगड़ा जो है ना, ये इसलिए लंगड़ा बोलते हैं कि इसमें पावर बहुत है। किस चीज़ की? कैल्शियम का। इसमें अलग कैल्शियम है और चौंसे में अलग कैल्शियम होता है, हर आम में अलग अलग कैल्शियम है, इसलिए अलग अलग नाम है इसका है। ज़्यादा कैल्शियम जो ना लंगड़े में होता है, तो लंगड़े को इसलिए लंगड़ा बोलते हैं। उसका दूधाबरी है वो जो ना सिंदली की शिकल में आए, उसको लोग जो ना सिंदली समझ के बेच देते हैं। कई किस्में होती है पर मैं रटोल और अश्विंद्री खाता हूँ। इसे पता है कि लंगड़े का नाम लंगड़ा क्यों है? कोई लंगड़ा होगा उसी ने बनाया होगा। बागीचा था दोनों भाइयों के नाम, यानी कि विरासत में मिला हुआ था उनको, बाप दादा की जागीर थी। जिसका ये बागीचा था उसका नाम था रामदास, हिंदू था वो। तो इस बिना पे जो है दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया तो उसने कुल्हाड़ी का वार करके उसकी टांग काट दी थी, जिसकी वजह से जो जिस जगह पे काटी थी वो पूरा जो है इसी आम का बगीचा था। अच्छा, तो जिसकी वजह से जो है इस आम का नाम जो है लंगड़ा रख दिया गया था। इंडिया में भी इसका नाम लंगड़ा ही है और ये जाता पाकिस्तान से ही है। वहाँ पे नहीं उगता। वहाँ का मशहूर आम है बम्बई हापुस, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला आम है सिंदरी, जो हमारा माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में, चौंसा भी बहुत जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होने वाला है वो है सिंदरी। तो लंगड़े को लंगड़ा क्यों कहते हैं, पता है क्यों नाम पड़ा इसका लंगड़ा? बस लंगड़ा है जो नाम है उसका लंगड़ा है भाई। और ये हरा आता है बिल्कुल, जितने आम है ये समझो पीला रंग नहीं लेके आता है, इसलिए हरा ही रहता है। हरा ही रहता है। नाम तो रखे बुजुर्गों ने, रखे बाकी वाले ने रख दिया बस। लंगड़े को लंगड़ा क्यों कहते हैं? वो जाके अल्लाह से मालूम करो, मेरे को क्या पता है। अल्लाह मियां ने रखा नाम? अल्लाह जी ने बनाए हैं। अल्लाह नहीं, नाम किसने रखा? अल्लाह जी ने बनाया तो हमें भी अल्लाह मियां ने ना, नाम माँ बाप ने रखे। जो अल्लाह ने रखा है, जिसने पैदा किया वो रखेगा नाम, और कौन रखे भाई? इसका तो हमें खुद नहीं पता है, लेकिन जैसे हम ये फ्रूट जब से बेच रहे तो तब से इनके नाम रखे हुए जिसने रखे हुए। हाँ, रेठोल है, सिंदड़ी है, लंगड़ा में ये जिसने रखे हुए पहले से ही हम भी सुनते हुए आ रहे हैं, उस हिसाब से हम भी। ऐसा है मतलब, लगता है कितने साल पुराने होगा? 200-250 से कम, हमको तो नहीं पता है, 200-250 जब से हम 10-12 साल का था यही काम कर रहे हैं तब से इसका नाम यही है। सबसे ज़्यादा वैसे बिकता कौन है, कहते हैं आम फलों का बादशाह? आम जो है ना सबसे ज़्यादा अनवर रेठोल और चौंसा और सिंदड़ी बिकता है। तो आपने सुना कि बहुत सारे फ्रूट जो बेचते हैं उनको भी ये नहीं पता कि लंगड़ा आम जो है उसका नाम लंगड़ा क्यों पड़ा। तो इसकी सिंपल सी कहानी ये है कि भैया आज से 350 साल पहले जब पाकिस्तान और इंडिया एक हुआ करता था, तब बनारस में, बनारस जो अब इंडिया में है, बनारस में एक शख्स था जिसने आम खाया और उसकी गुठली अपने घर के आंगन में उसने जो है वो ये कहते हुए लगा दी या उसको नीचे दबा दिया, तो वहाँ से एक पेड़ हुआ और जिसपे आम लगे और उसने आम खाया तो बहुत मज़ेदार था, मीठा था और हरे रंग का था, तो वहाँ से इसका नाम लंगड़ा पड़ा क्योंकि वो शख्स जो है लंगड़ा था और उसके घर वाले, उसके शहर वाले, उसके दोस्त यार उसको लंगड़ा कहा करते थे, तो वहाँ से इस आम का नाम चल पड़ा कि लंगड़ा, लंगड़ा आम, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा है। कोई ऐसी कहानी नहीं है कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है या दूसरे, जो एक राम सिंह थे जिनका नाम बताया, उसकी टांग काट दी तो उसके बागीचे में उसकी टांग काटी तो वहाँ से लंगड़ा आम पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो गया, अगर आपको मज़ा आया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।